सर राशिद भाई जी, क्या ये वैसे इमामुल हक ने कैसा खेला? जिस टीम में इमामुल हक होगा वो जीतेगी, वो जीतेगी जी, जी। ये इमामुल हक की बरकत है, इमामुल हक की क्या ताले भाई, वाह बेस्ट प्लेयर है ना, कमाल है यार, बिल्कुल वैसा कोई और नहीं है, है ना, इमामुल हक एक ही है, बिल्कुल शुक्र करें आउट हो गया वो, क्या 48 रन किए, अगर इन 48 रन को निकाल दें तो कैसे जीतता भाई, 39 बॉलों पे 48 रन, बेस तो बना के गया ना वो, 23 का स्ट्राइक रेट, दूसरों का 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, वो अपने लिए खेल रहा है, सिंपल सी बात है, अपने 50 करने हैं, सब सिचुएशन के हिसाब से खेल रहा है, अपने लिए खेला है तो टीम का फायदा हुआ ना, टीम कौन सी जीती, पिशावर दल, पिशावर दल में 12 ओवर्स का इकोनॉमी है और आप सिंगल डबल, इमाम के जो 48 रन थे वो कराची किंग्स के खाते में तो नहीं चले गए ना, पिशावर के खाते में, फायदा कोई नहीं हुआ पिशावर को, 7 ओवर थे 15 ओवर तक छक्के नहीं मारे जाते, गेम को लेके चला जाता है, आखिर में दिया ना शोएब मलिक और हैदर अली आए, उनको दे दिया, सेटअप करके दिया ना पूरा, नहीं आपके ख्याल में इमाम ने बिल्कुल, नहीं बिल्कुल जो बात है वाला, जो बात है वो आप डिनाई कैसे कर सकते हो, एक सामने खेल रहा है टीवी पे, कोई ये थोड़ी छुप के कुछ कर रहा है क्या, चीजा वतनी में थोड़ी खेल रहा है कि मैच टेलीवाइज नहीं हो रहा, सही बात ये तो हो रहा है, आप डिनाई कर ही नहीं सकते, क्यों तनवीर जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जब 12 रन का एवरेज होता है ना तो कोई लड़का नजर आता कि शॉट्स खेल रहा है, विकेट छोड़ के हिटिंग करने की कोशिश कर रहा है, वो तो कर ही नहीं रहा था, वो तो खेल ही अपने लिए रहा था, यार ये तो हमें पता है ना, साथ में कॉलर बैटिंग कर रहा था तो इमाम एक रन करके देता वो वहां से बाउंड्री मारता था, एक एंड संभाला हुआ था, सामने वाला हिटिंग किया, राशिद भाई पार्टनरशिप पार्टनरशिप, असल में इमाम भाई जो है ना तनवीर भाई के लैंडलॉर्ड है, ताल्लुक खराब है, मुझे पता था ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, जाहिर सी बात है इमामुल, मैं पहले से रेडी था, सही बात, इमामुल आउट होता है, मुझे आपके वाले से मैसेज है, तनवीर भाई को खास मोहब्बत है, जाहिर इसका बैकग्राउंड ये जी, इमामुल से ना तनवीर भाई का बड़ा खास एक ताल्लुक, अच्छा ऐसा लग हो नहीं सकता, ये उस दिन कह रहे थे ऐसा हो नहीं सकता, आपके ख्याल में इमामुल ने अच्छा खेला या ज्यादा गेंदें जाया की, नहीं भाई अब 48 रन 39 बॉल्स जब शाहिद अफरीदी और उस्मान कादिर बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे तो एक एंड को विकेट नहीं गिरने दी, आउट हो जाते हैं, पहले से 193 चेस किया है, जाए भाई आपके ख्याल में इमामुल हक ने, इमामुल हक ने आज आपके ख्याल में भी अच्छा खेला है, इनिंग्स देखी नहीं उन्होंने उनकी नहीं अच्छा प्लेयर है बट वो पता नहीं चल नहीं रहा या चल नहीं रहा नहीं अपने भी खेल रहा है बस देखा ना बस कुछ है गड़बड़ है कुछ गड़बड़ है गड़बड़ है सर अब इस पर आ जाएं मुल्तान सुल्तान के पिछले सीजन में कप्तान थे शान मसूद साहब और पूरे उन्होंने सीजन में तकरीबन 283 रन किए थे इस दफा कप्तान तो नहीं है टीम से ही बाहर है तो ये सही है आपके ख्याल में या शान मसूद का कम से कम टीम में जगह बनती है तो बिल्कुल टीम में होना चाहिए था दूसरा मैच है सर ये छोड़ने सबसे पहले तो टेस्ट टीम से वो ड्रॉप हुआ है हाँ। वो भी जाती हुई शान के साथ ओके। फिर यहाँ और ये पीएसएल की जो टीम है क्योंकि वो कैप्टन थे जो ड्राफ्ट हुए उसमें भी इनकी इनपुट थी लेकिन दो कप्तान नहीं रहे रिजवान को मना प्लेइंग 11 थे भी चले गए मेरे ख्याल से जाती है और क्रिस लिन आज रन नहीं बना सके एक रन बनाया उन्होंने तो उनकी जगह पे शान मसूद की जगह बनती है तनवीर आपके ख्याल बनती क्यों नहीं बनती है पहले मैच में भी उन्होंने कुछ नहीं किया आज के मैच में भी कुछ नहीं किया वो प्लेयर ऐसा है कि उसको चांस देना चाहिए था आज के मैच में लेकिन नहीं किया अब शान है आपके पास लेकिन शान के साथ जो कप्तानी वैसे मुल्तान की रिजवान की बनती है वैसे नहीं बनती है नहीं बनती नहीं बनती क्योंकि शान लास्ट ईयर भी कप्तान था उसी को कप्तान होना नहीं रिजवान बड़ा अच्छा फिर हमारे लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं रिजवान को तैयार करना चाहिए आगे जाके कप्तानी के लिए असल में यहाँ इस 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 मुल्क में चढ़ते सूरज को सलाम का सिलसिला खत्म हो जाए ना हाँ बहुत चीजें बेहतर हो जाए चल इस पे करेंगे मजीद बात सर ये मेहमान आज कौन जी जी सर मैंने कहा शो Fly with PIA and save gold register now scan QR code then register yourself to get gold and loyalty benefits powered by ARY sahulat wallet